नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित साहू और आज हम बात करेंगे ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड की जो आईपीओ आने वाली है उस आईपीओ के ऊपर। यह आईपीओ आपके लिए कैसा रहेगा, इस आईपीओ को हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, इसकी नेट प्रॉफिट, ये कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, कब से कब तक ओपन रहेगा, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आईपीओ के बारे में। लिमिटेड, यह जो कंपनी है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट से है और इसका जो एक लॉट मिलने वाला है वह 1600 यानी 1600 शेयर्स का एक सिंगल लॉट बन रहा है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 76 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ के लिए है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब लॉट बुकिंग करें तो आप कट ऑफ प्राइस के साथ में ही बुक करें। यह जो आईपीओ है वह 19 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी और इसका जो इशू साइज है वो इशू साइज 30,51,200 का है ना। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो ऑफर डेट है 19 अगस्त से है, एंड होगा 21 अगस्त को। अलॉटमेंट जो आपको मिलेगी वो 22 अगस्त को हो जाएगा और यदि आपको आईपीओ नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में आपके जो अमाउंट है वो रिफंड होगा 23 अगस्त को और लिस्टिंग जो है आपका डीमेट अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होगा वो 23 अगस्त को ही आपको डीमेट अकाउंट में शो करने लगेगा। आप वहाँ अपना स्टेटस देख सकते हैं, अपना जो अलॉटमेंट हुआ है उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। साथ ही यह जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग 26 अगस्त को हो जाएगी, मैंडेट एंड जो है वो 5 सितंबर को हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंट डेट्स है। आइए अब बात करते हैं इसकी रिजर्वेशन पर, किसको कौन से कोटा में कितना परसेंट ऑफर किया गया है उसके। तो एंकर इन्वेस्टर शेयर्स को ऑफर किया हुआ है 17.62% और मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर है इसमें 5.09%। QIB शेयर्स ऑफर्ड किया गया है 11.75% और NIIHNI ऑफर्स शेयर ऑफर्स किया गया 26.22% का। रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर इसमें 39.33% का है। इस प्रकार से टोटल 100% सभी को रिजर्वेशन दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप वहां से अपने अकॉर्डिंग आप आईपीओ के लिए बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो इसका जो स्टेटस है आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2024 तक का हमारे पास डेटा है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एसेट्स की बात करते हैं तो 2021 में, मार्च 2021 में 409.61 था जो कि 31 मार्च 2022 को 1179.12 हो गया और 23 में 1310.78 हो गया और वही लास्ट अभी 2024 में, मार्च 2024 में हो गया है 27.83.29। तो काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में आपको 706.25 था जो कि 22 में 5419.57 हो गया, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। वही 2023 में बात करें तो 793.66 हो गया और मार्च 2024 में आप देख सकते हैं 5524.59 है। तो थोड़ी सी कम तो हुई है बट फिर भी इसकी स्टेटस रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट
तो प्रॉफिट में इसमें मार्च 2021 में थी 22.57, जो कि बढ़ के हो गई 322.39। मार्च 2023 में हो गया 618.09 एंड 2024 में आप देख सकते हैं 489.13। तो इस प्रकार इसका प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ है इसमें 97.57। 21 में आप देख सकते हैं, 22 में देखने को मिला 419.96 एंड 23 में आप देख सकते हैं 888.05 एंड मार्च 2024 में आप देख सकते हैं 1377.18। तो इस प्रकार से नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ते गया है। अब बात करते हैं इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो मार्च में था, मार्च 21 में 22.57, 22 में 344.96 एंड 23 में आप देख सकते हैं 813.05 एंड 24 में 552.18 एंड। अब बात करते हैं IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। यह जो है लगभग 1 बजे के आसपास का डेटा है मेरे पास, फर्स्ट डे का, 19 अगस्त का। तो उसके अनुसार से यह जो है QIB में नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो 0 है और शेयर ऑफर किया हुआ है 358,400 और NII कोटा से आप कैटेगरी से आप देख सकते हैं 8 लाख ऑफर किया गया था, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स 12.29 आपका इतना सब्सक्रिप्शन अभी हो चुका है। काफ़ी अच्छी रिस्पांस है और रिटेल में तो और बहुत ही अच्छी रिस्पांस आप देख सकते हैं फर्स्ट डे में ही लगभग 1 बजे तक। तो 12 लाख का ऑफर किया गया था रिटेल कैटेगरी में, तो उसमें से 35.79 फिल हो चुका है नंबर ऑफ टाइम्स से ये, और इस प्रकार से टोटल 22.38 गुना फिल हो चुका है फर्स्ट डे में 1 बजे तक। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें देखने को मिल रहा है। तो यह जो शेयर है, यह जो IPO है, वह IPO बहुत ही अच्छा होने वाली है और मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और अच्छी खासा प्रॉफिट बुक करें और लाभ लें। तो इस प्रकार से इस IPO के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर दिया हूँ। धन्यवाद।